प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर और वर्कशीट की शुरुआत हो चुकी है आपके लिए। क्लास 9 की पहली वर्कशीट है, इसमें कि अपठित गद्यांश आपको बनाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और ये क्लास 9 के लिए है 5-4। और ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर अपनी पूरी डिटेल पहले एक्सप्लेन करेंगे, अपना नाम, रोल नंबर, आईडी, सारा सेक्शन वगैरह लिखेंगे। उसके बाद देखो, आपने एक पैसेज बनाना है, एक गद्यांश बनाना है। देखो, नीचे दिए गए चित्र को देख करके अपने शब्दों में अपने विचार लिखने। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया है आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार चित्र है और इसे आपने देखना है, समझना है। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो जो भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसे आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो लाइक मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, थोड़े से जूम आउट कर लेता हूँ। इस पिक्चर में आपको सबसे फ्रंट में दिख रहा है आपको घर, और एक घर कुछ इस तरह से बनाया है जैसे कि गाँव में होते हैं घर। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इस गद्यांश में ग्रामीण अंचल का वर्णन है, ठीक है, ग्रामीण अंचल का, गांव का वर्णन है, गांव देहात का वर्णन है। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, गांव देहात में सब लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग सब एक साथ मिल कर के रहते हैं। तो आप उसमें देखोगे कि गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, गांव का माहौल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। गांव में रहना, खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद होता है। आप थोड़ा सा इसमें अपनी लाइनें जोड़ोगे। उसके बाद देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्रिकेट खेल रहा है ना। तो आप ये लिखोगे कि बच्चा इस पिक्चर में, चित्र में बच्चा जो खेल रहा है, और जैसे ही बच्चे ने, जैसे मुझे लग रहा है कि बच्चे ने शॉट मारा, और ये लोग भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये बड़े बुजुर्ग भी हैं, ये देख रहे थे उसका गेम। और क्या हुआ कि बॉल उसने शॉट मारा, देखो शॉट मारा, कुछ इधर बॉल गई है और सभी लोग जो है उधर ही देख रहे हैं कि कहाँ गई। हो सकता है किसी के सर पे लगी हो या कहीं भी बॉल गई हो, तो उसे देख रहे हैं कि कहाँ गई है, उधर गई है, है ना। और साथ में यहाँ पे देखो आपको कि पेड़ है, तो गांव में आपको पेड़ पौधे, हरियाली ज़्यादा दिखती है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। साथ में यहाँ पर एक साइकिल भी दिख रही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइकिल से आना जाना होता है गाँव में, ज़्यादा लोग बाइक और कार वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता। तो आपने गांव का बताना है कि गांव में पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता है, वहां का जीवन बड़ा सुखमय होता है, लोग सब मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं गांव में, गांव के घर कैसे होते हैं। तो देखो, एक दूसरे से चिपके होते हैं ज़्यादातर घर, और दूर दूर होते हैं। ये गांव में जो बच्चा है वो गांव के थोड़ा बाहर गली में खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, और साथ में जो है बड़े बूढ़े भी उसका आनंद ले रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको आज की पहली वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पहली वर्कशीट आपको कितना मज़ा आया। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वर्कशीट आपको मिले। धन्यवाद।